ठीक है वो अभी व्हाट इज दिस बिहेवियर आपने देखा अभी हां एग्जैक्टली थोड़ा पीछे कर क्या किया सैम करन उन्होंने कैमरे की तरफ ऐसे मारा ये देखो कैमरा स्टेशन सैम करन ये क्या चल रहा है भाई ओ भाई ये किस तरीके का तरीका भाई ये अप्रोच है कि ये हो गया सैम करन ने भी मार खाई है कैमरा इनको फॉलो कर रहा है कवर करने गया है और आप ठीक है फ्रस्ट्रेशन हो रही है लेकिन आप अपना फ्रस्ट्रेशन कैमरा पर्सन पे थोड़ी दिखाओगे भाई कोई मेहनत कर रहा है वहां पे मैच कवर कर रहा है बट बाउंड्री पे मुझे ये वापस उसने कैमरा पर्सन को किया है इस तरीके से यार ये बड़ा खराब है बहुत खराब किया भाई ये बहुत खराब किया दिस इज नॉट द वे ये देखो ये देखो ये देखो बड़े प्लेयर हो इंग्लैंड के बाद अभी देखना अभी देखना आकाश फिर से देखना देखा है मैंने वो क्या उसके तरफ लेके जा रहा था ये बाउंड्री की तरफ कुछ हुआ नहीं बाउंड्री के पास फील्डिंग करने खड़े थे उसके तरफ फिर उसने कुछ भी नहीं किया कैमरा फेस किया बस उसने कैमरा फेस किया उसने देखा कि मेरे तरफ कैमरा और आपने वो कर दिया क्या हाथ से ऐसे इशारा किया जो भी हो आप अपने मैच पे कॉन्सेंट्रेट करो ना भाई दिस इज नॉट द वे फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो अपनी आप जितने जो मर्जी जितने बड़े प्लेयर हो लेकिन अगर सामने वाला बंदा काम कर रहा है अपना ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स वो आप कुछ ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हो उसके ऊपर अच्छी बॉलिंग कर लो अच्छी बॉलिंग करके विकेट निकाल लो आपका वो काम है आप ये नहीं जो आप ये सब कर रहे हो ये हाथ करके इस तरीके से क्या है यार ये बल्ला इसका बड़ा खराब आपने जवाब देना है गुस्सा निकालना वहां निकालो 22 यार्ड्स पर ये नहीं कि बाउंड्री लाइन पे खड़े हो गए अगर आपके सामने कोई अगर कैमरा फेस कर रहा है तो आप कैमरा पर्सन की इंसल्ट करो आप अगले ओवर में कमबैक करो ना आप सामने वाली टीम को दिखाओ आप बाहर वाले बंदे को दिखा रहे हो वो अपना काम कर रहा है जैसे कि पांडे जी ने भी कहा वो कुछ नहीं कर रहे तो वो बाउंड्री के बाहर वो बाउंड्री पे खड़ा सामने वाला पर्सन वो अगर उसकी ले भी रहा है फुटेज ले रहा जो भी ले रहा आप अपना एग्रेशन क्यों दिखा रहे हो और एक बात है कि वो बाउंड्री के बहुत पीछे थे जो कैमरा पर्सन है जितना दिख रहा है मुझे वहां से आपने वो कैमरा की तरफ जोर से हाथ मारा है क्यों कर रहे हो भाई आप ये अपना जो 13 के कॉर्नर से आप रन खा रहे हो अपनी बॉलिंग पे ध्यान दो आप इन पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो बहुत खराब बिहेवियर है ये सॉरी टू से नहीं ऑब्वियसली कल सिराज को भी मार पड़ी सिराज ने कमबैक किया आपने जवाब देना तो ये क्या ये कैमरा पे लिटरली कैमरा को ऐसे हिट किया करके और सामने कैमरा को उंगली भी दिखाई आपने वो चीज नहीं देखी लास्ट पे ऐसे करके बहुत खराब था हालांकि यू आर आल्सो डूइंग योर जॉब दे आर आल्सो डूइंग देयर जॉब आप देखो यार इतनी बुरी मार पड़ गई तो ऐसी हरकतों पे आ जाओगे बॉलिंग करा लो बॉलिंग बेटर कर लो वहां पे 13-13 की इकॉनमी से रन खा रहे हो ये एग्रेशन है एग्रेशन सही है सामने सही जगह तुम प्लेस करो उसे सही बात है भाई बहुत खराब बिहेवियर सैम करन का अब मैं तो ऐसे और बुरा मारना चाहिए गुरबाज मारे इब्राहिम मारे मुझे लगता है थोड़ी देर तक आप सैम करन को लेके आओगे सैम करन आए तो फिर वैसे ही पिटाई पार्ट में खत्म स्पिनर आ गए उंगलियां दिखाई थी ना क्या हुआ था मैच पूरा हो जाता तो मैं वापस से अपना स्टेटमेंट पलट रही हूँ अब और ऑन रिकॉर्ड पलट रही हूँ जीतता इंडिया वो उंगलियां जो दिखाई थी सारी चीजों के जवाब भाई यहाँ पे ऐसे जवाब दो जैसे इंडिया ने जवाब दिया अगले मैच में जवाब नहीं मिला अगले मैच में दो सौ अठाईस रन खाए यार कितनी पिटाई हुई श्रेयस अय्यर को श्रेयस अय्यर था ना जो बॉल फेंक कर उसने वो मारने की कोशिश की थी श्रेयस अय्यर बॉल फेंक के एग्रेशन दिखा रहे थे क्या हुआ पिटे हो आप बढ़ गए पिटे हो आप कल तो जो मर्जी हो चलो कल की बात नहीं करते लेकिन ये जो सैम करन ने जो अभी किया हरकत ये इस तरीके से ओवर एग्रेशन दिखा रहे हो पता नहीं किससे दिखा रहे थे और किस बात का किस बात का भाई अगर आप अच्छी बॉलिंग भी करा लेते तो भी ना दिखाओ आप तो ऐसा ये क्या कर रहे हो क्योंकि बात वही आती है ना कि आप किसी जो बंदा अपना काम करने आया है वहां पे वो कैमरा पर्सन है आप उसके कैमरा पे ऐसे करके कर रहे हो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो जबकि वो आपकी फील्डिंग उनको ये लग रहा है कि वो फील्डिंग में इंटरप्शन कर रहे थे ऐसा कुछ नहीं था वो दूर था कैमरा वो भाई बाउंड्री के आगे खड़े होके फील्डिंग कर रहे हो सेटअप होता है वो बाहर खड़े हैं उनको कह रहे हैं वो कैमरास लगाते हैं वो बाउंड्री के बाहर उनका सेटअप होता है पर जितना मुझे लगा ना कि सैम करन ने इशारा किया था बाउंड्री की तरफ ये 50 हो गई।